बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई एम शाहिद महमूद फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहिब। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में एंगल की डेफिनेशन की थी, जिसके मुताबिक टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट विल फॉर्म एन एंगल, जिसमें एक रे जो है उसको हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं और दूसरी रे को टर्मिनल साइड बोलते हैं। ये हमारे पास इनिशियल रे है, इसे हम ओ पी कह देते हैं, और ये टर्मिनल रे है ओ क्यू। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये हमारे पास है थीटा। ओ पी हम इसको कह देते हैं कि ये इनिशियल साइड है, और ओ क्यू हमारे पास है टर्मिनल साइड। ये एक एंगल तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया थीटा। और कितने एंगल हैं जो विद द सेम इनिशियल और विद द सेम टर्मिनल साइड बन सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि देयर आर इनफिनिट मैनी एंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द इनिशियल ओ पी एंड टर्मिनल ओ क्यू। अब वो देखते हैं किस तरह से। हम अगेन ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये ओ पी और ये हमारे पास ओ क्यू है। ओके, तो देखें जरा, थीटा हमारे पास एंगल है जो ओ पी से स्टार्ट हो रहा है और ओ क्यू पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर मैं यहां से एक एंगल का स्टार्ट लेता हूं और इसको एक कंप्लीट राउंड रोटेट करने के बाद मैं ओ क्यू पे जाके मैं स्टॉप कर देता हूं, तो ये मेरे पास एंगल जो है ये विद द सेम इनिशियल एंड विद द सेम टर्मिनल होगा। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल आपको रेड में नज़र आ रहा है, जो ओ पी इनिशियल से स्टार्ट हुआ और इसको कम्प्लीट के अराउंड हमने घुमा के ओ क्यू पे स्टॉप कर दिया है, ये एंगल हमारे पास होगा थीटा प्लस टू पाई। यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में है, और ये आ जाएगा थीटा प्लस टू पाए। अगर थीटा हमारे पास डिग्रीज में होता तो ये एंगल हमारे पास थीटा प्लस 360 डिग्री होता। एक और हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये ओ पी, ये ओ क्यू है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम विद द सेम इनिशियल ओ पी एंड विद द सेम टर्मिनल ओ क्यू एक एंगल यहाँ पे लें, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और इसको दो कंप्लीट राउंड के बाद हम ओ क्यू पे ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारे पास चूंकि हमने इसको दो कंप्लीट राउंड ऐड करवा दिए हैं थीटा में, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा प्लस फोर पाई। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहां पे जो है थीटा रेडियन में है, If theta is in radian, तो theta की जो value है ये 0 से greater or equal होगी और less than होगी 2 pi के। और अगर हम theta को degrees में लें, if theta is in degree, अगर theta degree में लेंगे तो theta 0 degree से greater होगा और less or equal होगा 360 degree के। तो ये अगर हम डिग्रीज में लेंगे तो यहाँ पे ये थीटा प्लस एक राउंड ऐड हुआ तो थीटा प्लस 360 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि दो राउंड ऐड हुए हैं तो यहाँ पे थीटा प्लस टू टाइम्स 360 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा प्लस 720 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें आप तीन राउंड ऐड करेंगे तो हमारा एंगल थीटा प्लस 6 पाई या थीटा प्लस 3 टाइम्स 360 डिग्री आ जाएगा। 4 राउंड्स भी ऐड किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो थीटा के को टर्मिनल एंगल्स आएंगे, वो एंगल्स जिनका इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, तो हमारे पास आ जाएंगे थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, अप टू सो ऑन, आर को टर्मिनल एंगल्स ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये थे को टर्मिनल एंगल्स ऑफ थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से हम थीटा के लिए
को टर्मिनल एंगल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी फाइंड कर सकते हैं। यहां पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास OP है, ये OQ है, यहां पे हमने ये एंगल लिया था थीटा। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें विद द सेम इनिशियल एंड विद द सेम टर्मिनल, तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा? तो इस फिगर में देखते हैं OP OQ। तो स्टूडेंट्स, OP हमारे पास इनिशियल है, OQ टर्मिनल है। अगर हम यहां पे एक एंगल लें जिसका इनिशियल OP हो और टर्मिनल OQ हो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो हमारे पास एंगल आएगा, ये एंगल आएगा। अब ये एंगल कितना होगा? अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट एक राउंड लेते हैं तो उसमें एंगल होता है -2π या -360 डिग्री, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब हम क्लॉकवाइज एक राउंड लेते हैं तो उसमें एंगल्स माइनस में 360 डिग्री या -π 2π होता है। तो अगर OP से वन कंप्लीट राउंड OP तक ही हम आते तो हमारे पास एंगल होता -2π, लेकिन अब चूंकि हमने इनिशियल OP से OQ टर्मिनल पे स्टॉप होना था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स, तो हमारे पास जो एंगल आपको रेड में नजर आ रहा है ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये -2π है और उसमें ये थीटा आपका ऐड हो रहा है। तो बेसिकली यहां पे जो हमारा एंगल होगा जो रेड में होगा ये होगा थीटा -2π। इसी तरह से नेक्स्ट एक और फिगर लेते हैं, OP OQ। तो विद द OP इनिशियल एंड OQ टर्मिनल अगर हम क्लॉकवाइज दो राउंड लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ये एंगल, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? थीटा -4π। और इसी तरह से आगे अगर हम थ्री राउंड्स लेते हैं तो हमारे पास थीटा -6π आ जाएगी। और अगर हमारे पास ये थीटा यहां पे डिग्रीज में होगा तो ये थीटा -360 डिग्री और ये थीटा -2 times 360 डिग्री मीन थीटा -720 डिग्री के इक्वल होगा। सो इस तरह से थीटा -2π, थीटा -4π और इससे आगे अगर हम लेते थ्री राउंड तो थीटा -6π अप टू सो ऑन आर ऑल्सो को टर्मिनल एंगल्स ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन तमाम को टर्मिनल एंगल्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। सो वी हैव अ लिस्ट, थीटा +2π, थीटा +4π, थीटा +6π अप टू सो ऑन, ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज कोटर्मिनल एंगल्स, और थीटा -2π, थीटा -4π, थीटा -6π ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोटर्मिनल एंगल्स हैं। अगर इस कंप्लीट लिस्ट को हम लोग इन शॉर्ट लिखें तो ये हमारे पास बनेगा थीटा +2kπ वेयर के बिलोंग टू जी, और जी हमारे पास यहाँ पे है 0 ±1 ±2 up to 4। तो अगर आप यहाँ पे k के डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम इन एंगल्स को डिग्रीज में देखें तो इसके कोटर्मिनल एंगल्स क्या बनेंगे? थीटा +360 डिग्री, थीटा +2 times 360 डिग्री, थीटा +3 times 360 डिग्री अप टू सो ऑन,
और इसी तरह से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आ जाएगा थीटा माइनस 360 डिग्री, थीटा माइनस टू राउंड्स मीन टू टाइम्स 360 डिग्री, और थीटा माइनस थ्री टाइम्स 360 डिग्री अप टू सो ऑन। और अगर आप इस लिस्ट को इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी थीटा प्लस 360 डिग्री के, वेयर के बिलोंग टू जी। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिस्ट थी इन रेडियन को टर्मिनल एंगल्स की, और अगर हम इसको इन शॉर्ट इस फॉर्म में लिख देते हैं थीटा प्लस 2 के पाई, तो ये हमारे पास जर्नल एंगल होगा, और ये हमारे पास लिस्ट थी को टर्मिनल एंगल्स की इन डिग्रीज, और इसको हमने इन शॉर्ट ऐसे लिख दिया है, और ये हमारे पास जर्नल एंगल है इन फॉर्म ऑफ डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे अब डेफिनेशन करें को टर्मिनल एंगल्स की, तो इसकी डेफिनेशन होगी ऑल द एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन की तरफ। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन को स्टडी करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ेगा, जिसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन इफ its vertex is at the origin and its initial side is along positive x-axis. अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो और ये ओरिजिन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोजिशन ऑफ एन एंगल, अगर हमारे पास विद द इनिशियल ओ एक्स जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और अगर टर्मिनल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए और से दिस इज एंगल अल्फा, तो हम यहां पे कहेंगे कि अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर कोई एंगल जिसका जो टर्मिनल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, से दिस इज बीटा, तो हम कहेंगे कि बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेम वे अगर कोई एंगल यहां पे गैमा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो हम कहेंगे गैमा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर कोई एंगल जिसका टर्मिनल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, से दिस इज थीटा, तो हम कहेंगे कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर चुके हैं कि कंप्लीट राउंड में जो एंगल है ये 360 डिग्री या 2 पाई होता है। तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे हमारा एंगल होगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 को हम लोग 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल हमारा होगा पाई
और इसको हम लोग 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। और यहां पे हमारा एंगल होगा 3π/2 और इसको हम लोग 270 डिग्री भी लिख सकते हैं। और ओ एक्सिस पे पहुंच के दोबारा यहां पे एंगल जो है ये 2π और इसको हम लोग 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो एंगल हैं π/2, π/3π/2 और 2π, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री आर क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि ये एंगल्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल लाई करेंगे उन्हें हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो ये π/2, π/3π/2 और 2π ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। और अगर हम इसे डिग्रीज में देखें तो 90, 180, 270 और 360 डिग्री हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हमने एंगल को डिफाइन किया या हमने कोटर्मिनल एंगल्स को डिफाइन किया तो हमने जो इनिशियल एक्स एक्सिस हैं ये हॉरिजॉन्टल लिए। तो उसकी बेसिकली रीज़न ये थी कि आगे चल के हमने जर्नल सेटिंग में इन एंगल्स को जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करना है तो वहाँ पर हमने इनका जो इनिशियल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रखना है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने एंगल को डिफाइन करते हुए और कोटर्मिनल एंगल्स को डिस्कस करते हुए हमने जो इसका इनिशियल है वो हमने हॉरिजॉन्टल लिया है, ताकि यहाँ पे जब हम जर्नल सेटिंग में जाएं तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, हमें हमारी सेटिंग चेंज ना हो। जी तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रिलेशन है वो राइट ट्राइंगल के साथ है, तो हम यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस राइट ट्राइंगल में आपने इसके जो वर्टिसेस की लेबलिंग है वो एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि यहाँ पे हम ए लेंगे, ये बी होगा और 90 डिग्री एंगल यानी जो राइट एंगल है वो सी पे लेंगे। ए के सामने हमारे जो साइड है ये स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड जो है ये स्मॉल बी और सी के सामने जो साइड है ये स्मॉल सी है। स्टूडेंट्स सी पे चूंकि 90 डिग्री एंगल है तो सी के जो अपोजिट साइड है ये हमारे पास है हाइपोटेनस। यहाँ पे हम ए पे एंगल लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे ए के साथ जो साइड बन रही है ये एडजेसेंट है, इसे हम लोग लिखेंगे ए डी जे से। और थीटा के जो अपोजिट साइड है इसको ऑपोजिट बोलते हैं, इसे हम लिखेंगे ओ डबल पी से। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें थीटा के साथ जो साइड बन रही है ये एडजेसेंट है और जो थीटा के सामने वाली साइड है दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट। जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड बन रही है दिट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं फॉर दिस एंगल थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अपोजिट ओवर हाइपोटेनस ए बाय सी, कॉस ऑफ थीटा बी बाय सी और टेन थीटा अपोजिट ओवर एडजेसेंट ए ओवर बी। बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं, जैसा कि साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कोसिकेंट थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा सी बटा ए के। कॉस ऑफ थीटा का जो रेसिप्रोकल है ये सीकेंट थीटा है और ये आ जाएगा सी बाय बी के। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है ये कॉट थीटा है और ये हमारे पास आ जाएगा बी बटा ए के। ये साइन का उलट है, ये कॉस का उलट है और ये टेन का उलट है, ये रेसिप्रोकल्स हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करते हैं। ये हमारे पास जो है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको
कार्टीजन प्लेन भी बोलते हैं। ये हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है जी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट लेते हैं। लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट एंड अज्यूम x एंड y बोथ पॉजिटिव। तो अगर हम x और y बोथ पॉजिटिव लें तो ये पॉइंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये पॉइंट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, पी एक्स वाई के लिए हम x यूनिट अलोंग x एक्सिस मूव करेंगे और y यूनिट हम ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा पी एक्स वाई। अगर ओ को पी से ज्वाइन करा दें तो ये हमारे पास है ओपी डिस्टेंस आ जाएगा और इसको आर से डिनोट करते हैं। यहां पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, तो इस ये हमारे पास राइट ट्राइंगल होगी और इसमें इस 90 डिग्री एंगल के सामने ये साइड हाइपोटेन्यूस होगी। आर को यहां फाइंड भी कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से आर अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। आर हम पॉजिटिव लेंगे, उसकी रीजन ये है कि ये डिस्टेंस है बिटवीन ओ एंड पी। तो इस राइट ट्राइंगल के लिए अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे बिल्कुल उसी तरह से साइन थीटा, ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा वाई बाय आर कॉज ऑफ थीटा एक्स ओवर आर और टेन थीटा वाई बाय एक्स। बाकी इसके तीनों रेसिप्रोकल इसी तरह से साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेन थीटा आर बाय वाई, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा आर बाय एक्स और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा एक्स बाय वाई। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जब हमारे पास पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। स्टूडेंट्स, चूंकि हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि एक्स वाई बोथ पॉजिटिव हैं और ये इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर बोथ पॉजिटिव एक्स एंड वाई होंगे तो हमारे पास पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमारे पास नजर आ रहा है आपको, ऑल पॉजिटिव होंगे। अब हम पॉइंट लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, तो उससे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या चेंज आएगा, तो जहां जहां पे आपके पास एक्स इन्वॉल्व है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कॉस सीकेंट टेन कॉट ये चारों माइनस आ जाएंगे। तो बाकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन से हैं, साइन थीटा और कोसिकेन थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर यही पॉइंट हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा माइनस एक्स माइनस वाई, और अगर माइनस एक्स माइनस वाई रिप्लेस हो जाए यहाँ पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स वाई की जगह पे, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। टेन थीटा में माइनस वाई माइनस एक्स इनके माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, कॉट थीटा पे भी माइनस एक्स और माइनस वाई के माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों नेगेटिव हो जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी चारों जो फंक्शंस हैं ये नेगेटिव होंगे। तो इसी तरह से आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई माइनस होगा।
तो अब इन फंक्शंस में आप y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो साइन कोसिकेंट टेन और कॉट नेगेटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव कौन सा बचेगा, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव हैं और चौथे में कॉस और सेकेंट पॉजिटिव हैं। इसको हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं ए एस टी सी। ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, एस स्टैंड फॉर साइन पॉजिटिव, ऑफकोर्स यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। टी स्टैंड फॉर टेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव होगा, रेस्ट सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव मीन कॉस का सीकेंड उसका रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट सारे नेगेटिव होंगे। तो इस फिगर से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं कि आपकी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और कहां कहां पे नेगेटिव होंगे। इसके बाद आज के लेक्चर के एंड पे हम यहां पे कुछ फंक्शंस फॉर सम एंगल्स लिखते हैं। हमने फाइंड करनी है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा की, कॉट 270 प्लस थीटा की और सीकेंट 270 माइनस थीटा की। इस तरह के और भी बेशुमार एंगल्स पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं और इन ऑर्डर टू फाइंड सच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एंगल्स के ऊपर हमने स्टडी करने हैं रेफरेंस एंगल्स, रेफरेंस एंगल्स। तो ये इंशाल्लाह ताला रेफरेंस एंगल हम स्टडी करेंगे, उसके बाद आप बड़ी आसानी से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। एट द एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हमारे तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।